डॉक्टर से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। पूरा मामला जबलपुर के जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां कोविड 19 वार्ड में मरीज और उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के साथ मारपीट का प्रयास किया गया। घटना के बाद पीड़ित डॉक्टर ने अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सिविल सर्जन को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में वो अपनी सेवाएं समाप्त कर सकते हैं। दरअसल जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन्हीं मरीजों में से एक मरीज द्वारा डिस्चार्ज किए जाने की मांग उठाई गई, जिस पर जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर संदीप भगत द्वारा उन्हें 10 दिवस के बाद ही डिस्चार्ज किए जाने की बात समझाई, लेकिन मरीज 7 दिन पूरे होते ही डिस्चार्ज की मांग पर अड़ गया। इतना ही नहीं, मरीज के परिजन भी डॉक्टर से इस बात को लेकर बहसबाजी करने लगे कि उनके पेशेंट को आज ही डिस्चार्ज किया जाए, अन्यथा सीएम हेल्पलाइन से लेकर अन्य तमाम जगहों पर इसकी शिकायत की जाएगी। डॉक्टर द्वारा काफी देर मरीज और मरीज के परिजनों को डिस्चार्ज पॉलिसी के बारे में समझाया गया, उसके बाद भी उनके समझ में नहीं आया तो उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट का प्रयास किया, साथ ही अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। इस पूरे घटनाक्रम पर जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर संदीप भगत ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि कोविड 19 वार्ड के अंदर पेशेंट के अटेंडर को अंदर कैसे आने दिया जाता है, साथ ही उनके पास कई घंटे बैठने की अनुमति किस आधार पर दे दी जाती है। डॉक्टर द्वारा अस्पताल प्रबंधन को कड़ी शब्दों में साफ कहा गया कि यदि दोषी अटेंडर और मरीज के खिलाफ प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करता तो ऐसे में वो अपने चिकित्सकीय सेवा का सम्मान रखते हुए अस्पताल में सेवा देना बंद कर देंगे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी और लिखित शिकायत सिविल सर्जन तक पहुंच चुकी है। अब देखना बाकी ये है कि इस मामले में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। भाई, मैं वार्ड नंबर 3 में 11 बजे करीब राउंड ले रहा था, पेशेंट को देख रहा था, तो 3 नंबर पलंग पे 3 नंबर वार्ड में कोई सैलून सिंगर की भर्ती है, उसका 7वां दिन था, पॉजिटिव पेशेंट है। वो आके बोले छुट्टी, तो मैंने छुट्टी 10 दिन करेंगे। उनके साथ एक महिला आई और उन्होंने बोले नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। मैंने, भाई नियम में नहीं, 10 दिन करते हैं, आपको मैं 10 दिन कर दूंगा। अड़ गई, जोर बाभत से चिल्लाने लगी, फिर जोर जोर से उसने फाइल खींच ली और बोली मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करूंगी। और उसके बाद थोड़ी देर में तो उनके जो लड़का जो था वो मारने को तैयार हो गए, वहाँ सारे वार्ड में और वहाँ स्टाफ नर्स देख रहे थे सबकी मालूम में, और पेशेंट भी देख रहे थे। मैं निकल के चला गया, मैंने सीएम से कंप्लेन करी कि भाई ऐसी स्थिति में तो मैं काम नहीं कर सकता, जहाँ पर वार्ड में जबकि किसी पॉजिटिव वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग में तो एक दूसरे को नहीं जाने थे, यहाँ पॉजिटिव वार्ड में महिला उसके अंदर बैठ रही है, बात कर रही है, लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं इसके अटेंडर, तो ऐसे कैसे काम कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? भाई मैं चाहता हूँ जो सुरक्षा भी होना चाहिए और सिस्टम जो है उसको वैसे ही मेंटेन रखना चाहिए, अलाउड ही नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोरोना पेशेंट में अटेंडेंस अलाउ नहीं है, अटेंडेंस तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो इसकी FIR वगैरह करेंगे पेशेंट जाके, और वो कहें कि हम कानून नहीं जानते हैं और हम वकील हैं। मैंने कहा भाई अब ये तो उल्टी बात हो गई। क्या नाम है उनका जो बदतमीजी करते हैं? तो आप क्या चाहते हैं? हुआ भाई देखिए, हम अपनी जान के रिस्क लेके हम पॉजिटिव वाले पेशेंट को देखें और पेशेंट को मारे, तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसी आपदा पे, ऐसी आपदा में कहाँ का न्याय है? इसकी FIR करेंगे क्या? मैंने अभी सिविल सर्जन को रिपोर्ट करी है और सिविल सर्जन का दायित्व है कि वह पूरा उचित कार्रवाई करें। शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर संदीप भगत, मेडिकल स्पेशलिस्ट विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर। थैंक यू।